भाजप महाराष्ट्र वाहतूक संघटनेचे नेते हाजी आराफत शेख यांना भाजप सोडण्यासाठी धमकी देण्यात आली आहे। कुर्ल्यातील LBS रोडवरील त्यांच्या निवासस्थानाजवळ पार्क करण्यात आलेल्या गाडीच्या काचा अज्ञातांनी फोडल्यात। त्याचप्रमाणे एका प्लास्टिक पिशवीमध्ये पेवर ब्लॉग आणि हाजी आराफत शेख यांच्या नावाने लिहिण्यात आलेल्या धमकीची चिठ्ठी ठेवण्यात आलेली होती। भाजप सोड अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरं जावं लागेल अशी धमकी चिठ्ठीतून देण्यात आली आहे। दरम्यान या प्रकरणी कुर्ला पोलीस ठाण्यामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या संदर्भात हाजी आराफत शेख यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी सुमित सावंत यांनी। वाहतूक संघटनेचे हाजी आराफत सध्या आपल्या सोबत आहेत। तुमच्या गाडीवर काल दगडफेक झाली, काही अज्ञात हल्लेखोरांनी हल्ला केला, नेमकं काय झालं? मुझे कॉल आया कि भाई यार जल्दी नीचे आइए कि अपनी गाड़ी की किसी ने तोड़फोड़ की है। जैसे जाके नीचे देखा और फिर 100 के ऊपर कॉल किए, पुलिस आई। तो इस तरीके की ये प्रकार हुआ। पिछले 15 दिन पहले भी मुझे एक फ़ोन था धमकी भरा। फिर उसके पहले भारतीय जनता पार्टी में जब से मैं आने के बाद एक अजीब प्रकार का देखा कि एक पार्टी से एक एलर्जी। हाजी आराफत ने काम करना नहीं चाहिए, लोगों की मदद नहीं करना चाहिए, इस तरीके की दबाव तंत्र जिस तरीके से शुरू है वो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और ये इस प्रकार का तोड़फोड़ करना, दादागिरी करना, ये करके किसी को दबाने की कोशिश करेंगे तो हाजी आराफत शेख ये सब चीज़ों से दबने वाला कार्यकर्ता नहीं है और ज़ोर से काम करेगा। लेकिन ये आके इस तरीके से करने का, तो मैं मुंबई पुलिस से, महाराष्ट्र की सरकार से कहूँगा कि इस तरीके से ये जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं इसको रोकथाम होनी चाहिए। सर हम शशी बोलल्याबद्दल कैमरा पर्सन गणेश कानड्यांसह सुमित सावंत, साम टीवी, मुंबई।